आर्यन समेत छह मामलों की अगुवाई नहीं करेंगे समीर वानखेड़े, डीडीजी संजय कुमार मुंबई रवाना। कश्मीर घाटी में फिर हुई बर्फबारी और बारिश, तापमान में आई गिरावट। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, भारत से सटे विवादित इलाकों में गांव बसा रहा है चीन। पीएम मोदी और अमित शाह ने देशवासियों को दी भाई दूज की शुभकामनाएं। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 11,000 मामले कोरोना के, 392 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का इटावा और औरैया का दौरा है, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा को लेकर काफी व्यस्त है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जिले में मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के दौरान, जहां 280 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने औरैया पहुंच चुके हैं, तो वहीं 109 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री औरैया जिले में 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वहीं बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक ब्लॉक, एमेडमिक ब्लॉक, 500 बेड का चिकित्सालय, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश के अलावा लाइब्रेरी, मल्टीपल हॉल और जिम, 460 क्षमता का छात्रावास, आवासीय भवन के अलावा प्लेग्राउंड का निर्माण भी शामिल है। इटावा और औरैया का दौरा है आज सीएम योगी का, जहां औरैया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, शिलान्यास कुछ ही देर में करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद वो इटावा के लिए रवाना हो जाएंगे और दोनों कार्यक्रमों के बाद वो लखनऊ वापसी करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीजल में 10 रुपए और पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर पलटवार कर दिया और इसको लेकर प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। आपने पहले 50 रुपए के आसपास बढ़ा दिया टैक्स, इसी 19 के बाद 35 रुपए बढ़ाए और 5 रुपए कम कर दिया, बाकी जो 30 रुपए आपने बढ़ा रखा इसका क्या होगा? तो ये तो लूटो लूटो लूटो। अब इससे ये साफ हो गया कि लूट रखा था तब केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, ये कम होना चाहिए। आज $82 पर बैरल है आज का रेट दुनिया के बाजार का, तो उस हिसाब से अगर 50 या 52 रुपए में बिके ये पेट्रोल डीजल तो कंपनी भी फायदे में रहेगी और जनता को भी आराम रहेगा। तो ये जो ज्यादा बढ़ा के बेच रहे, ये अडानी जैसे अपने मित्रों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, गरीब आदमी के जेब पे डाका डाला जा रहा है। ये जो कम किया है ये नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नागण है। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। कान्हा की नगरी मथुरा में इसे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक मान्यता है। भैया दूज को यम द्वितीय भी कहते हैं। मान्यता है कि भैया दूज के दिन भाई बहन यमुना के साथ स्नान करे तो यम की फांस से मुक्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी श्रद्धा भाव के साथ मथुरा के ऐतिहासिक विश्राम घाट पर यमुना स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही यमुना स्नान शुरू हो गया है। यम की फांस से मुक्ति पाने की कामना लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को भ्रातः द्वितीय यम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार आज यानी 6 नवंबर को आराधना नक्षत्र और शोभन योग में मनाया जा रहा है। मथुरा के विश्राम घाट पर सदियों से यम द्वितीय पर बहन भाई के स्नान की परंपरा चली आ रही है, जिसका नजारा आज देखने को मिल रहा है। अब खबर औरैया से है, जहां
एरवा कटरा से डॉक्टर अवनीश शुक्ला के छोटे बेटे ने 652 अंक पाकर क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे तहसील क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि डॉक्टर अवनीश शुक्ला के छोटे बेटे निखिल शुक्ला ने नीट की परीक्षा पास करके MBBS में प्रवेश किया, जिससे ग्रामवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। उनके दरवाजे पर जाकर ढोल नगाड़े फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर रमेश चंद्र शुक्ला, श्री प्रकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सहाय तिवारी, जय हिंद सिंह भदौरिया, अंकित शुक्ला, अनिल पॉल, नेता सविता, रमेश बाबू, फौजी राजू बाथम, वीरेंद्र दीक्षित ने लोगों ने जमकर बधाई दी। जनपद प्रतापगढ़ में लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसी क्रम में कुंडा CHC अधीक्षक के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से कुंडा ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान और समाज के कुछ सदस्यों को बैठा कर ट्रेनिंग दी गई। वहीं उन्हें ये जानकारी दी गई कि प्रदेश के कई राज्यों में अभी भी कोरोना और संक्रमण बना हुआ है। ऐसे में दिवाली के अवसर पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर नजर बनाई जाए। जैसे ही उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, उन्हें चिन्हित कर उन्हें स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाए। नमस्कार, बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन है, दीपावली है और हाल फिलहाल जो है भैया दूज है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और साथ में ही आने वाले दिनों में छठ पूजा भी है जो कि पूर्वांचल में काफ़ी मनाई जाती है। तो इस समय बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, केरला में, वहाँ से लोग माइग्रेट होते हैं और त्यौहार पर अपने घर आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई राज्यों में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे कोविड के केसेस हैं, काफ़ी संख्या में मिल रहे हैं, तो वहाँ से लोग मूवमेंट करके अपने ज़िले में आ रहे हैं, अपने ब्लॉक में आ रहे हैं। तो उनके लिए जो नए नए चयनित प्रधान हैं जिनका अभी तक अनुकीकरण नहीं किया गया था, उनको ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित करके उनको ट्रेनिंग। फतेहपुर जनपद के भिटौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदीपुर के मजरे महेशपुर गांव के लोग पिछले 6 महीने से अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं। गांव के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनपद प्रतिनिधि के यहां अपना दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल सका। महेशपुर गाँव के लोग आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। प्रदेश सरकार के लाख दावे के बावजूद भी विद्युत विभाग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के यहां ग्रामीणों ने आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है और 6 महीने पहले आई तेज आंधी के कारण महेशपुर गांव के उत्तर दिशा की ओर लगा ट्रांसफार्मर पोल से टूटकर गिर गया था, जिससे गांव के करीब आधा सैकड़े से अधिक घरों में बिजली गुल है और इसके बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के यहाँ कई बार लिखित शिकायत भी दी, लेकिन आज तक बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर को दुरुस्त नहीं किया गया। अरे मामला ये है कि बिजली आज 6 महीने से बिगड़ी है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अंधेरे में मान लो खाना खा रहे हैं, लाइट तक की व्यवस्था नहीं है और बहुत सब कुछ कई भाई ने सब वहाँ जय वही पे सबके पास हो जाए सारे, लेकिन लाइन आज तक बनी नहीं ना। किसी अधिकारी को बात हुई? हाँ, जय साहब से बात हुई है। क्या कहा? वो यही कहें कि बन जाएगी, फला जगह जाओ, ढेका जगह जाओ, इतना रास्ता बता रहे हैं सब, हम लोग किसान आदमी कहाँ जाना इसके विषय में। अच्छा, तो गाँव में लाइट नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही, परेशान है। अच्छा, क्या नाम है? रामचंद्र। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फतेहपुर से संवाददाता अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, क्या कहेंगे? बात बिल्कुल सही है कि अगर एक दिन हो या एक हफ्ते हो तो चल सकता है, पर जहाँ 6-6 महीने विद्युत विभाग की उदासीनता जो सामने आ रही है, उससे जरूर ग्रामीणों का एक दर्द झलका है, जो कि अंधेरे पे रहने को मजबूर है। तो और जबकि ग्रामीणों से बात भी की गई तो उन्होंने यही कहा कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया इस मामले को लेकर के, पर अभी तक कोई भी ऐसा मामला, मतलब कोई भी जो है जनप्रतिनिधि हो या विद्युत विभाग हो, कोई भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा, केवल केवल कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक जो सरकारी कर्मचारी हो उनकी उदासीनता से चलते ऐसा लगता है कि उनको सरकार की जो है जरा भी, सरकार के आदेशों की जरा भी परवाह नहीं है, ग्रामीणों की जो है जो मुसीबत है उसकी भी कोई परवाह नहीं है। तो जरूर एक सोचने का विषय है, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि हमने जय से ही बात किया, जय ने कहा दीपावली की छुट्टी है,
तो दीपावली छुट्टी के साथ साथ में छह महीने से जो मामला सामने उलझा पड़ा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोचने भी विषय है। जी क्या आपने उच्च अधिकारी या विद्युत विभाग के किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है इस मामले पे? देखिए ऐसा है कि मैंने जो है वहाँ के जो है कि जेई से बात करने की कोशिश की है, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है तो कोई उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से संवाददाता। वहीं रायबरेली जिले के सरेनी क्षेत्र के बैरुआ गांव में बोरवेल में एक गौवंश गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और इस घटनास्थल पर पहुंचकर फायर सर्विस लालगंज टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला। हाथरस में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कैंटर गाड़ी ने कई वाहन में टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक बच्चे सहित दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का उपचार जारी है। उपचार के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कैंटर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और इलाज भी लोगों का जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें कई लोगों की जान गई है और काफी लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। और साथ ही इस पूरे मामले की जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे मामले की जो घटना की तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और इससे पुलिस को काफी सहायता भी मिलेगी अपराधी को पकड़ने में, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है ये काफी दर्दनाक है। कैंटर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे कई जिंदगियां चली गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। अभी भी गंभीर रूप से घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाज के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई है। तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। वहीं आज ये जो घटना सामने आई है इसने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हाथरस से ये घटना सामने आई है जहां कई लोग घायल हो गए हैं और वाहनों को भी काफी क्षति पहुंची है। छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी का उपचार जारी है। उपचार के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मयंक जुड़ चुके हैं हाथरस से। मयंक, जो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो क्या देखने को मिला सीसीटीवी कैमरे में, किस तरह से टक्कर मारी गई? जी मैं आपको बताता हूँ, ये आमने सामने की टक्कर है और इसके बाद में पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस पहुंचने के बाद में उन्होंने जब पता किया तो वह यह घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसके बाद में यह यहाँ पे तीन लोग, कई लोग घायल हो चुके हैं और तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। जी मयंक, अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी हम लोगों ने जब पता लगाया तो पुलिस बोल रही है कि सीसीटीवी में जितने भी लोग आए हुए हैं सबको सबके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके कानूनी कार्रवाई होगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। हाथरस से हमारे साथ संवाददाता मयंक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी अपराधियों को पकड़ा जाएगा, जो भी इस हादसे का मुख्य अपराधी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में थाना गुलावठी पुलिस और स्वाट टीम के हाथ सफलता लगी है। संयुक्त टीम ने शातिर बदमाश नदीम से मुठभेड़ की। मुठभेड़ के दौरान बदमाश नदीम काला के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाश के साथ मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। बाद में घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। बीती रात लगभग 1:30 बजे थाना गुलावटी क्षेत्र में स्वाट टीम और गुलावटी थाना प्रभारी उनके नेतृत्व की टीम के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी नदीम उर्फ काला घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है क्रॉस फायरिंग में। उल्लेखनीय है कि इसके कब्जे से
एक लाइसेंसी गन जो 4/5 की रात में अजय इंजीनियरिंग वर्क्स कोतवाली देहात थाना क्षेत्र जो सयाना रोड पर है वहां से चोरी गई थी। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में मैरिस रोड चौराहे के पास कार सवार युवकों का इलाके के कुछ लोगों से विवाद हो गया और विवाद के बढ़ने पर कार सवार व्यापारी को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना पर सीओ तृतीय श्वेताभ पांडे ने बताया कि घटना मृतक के परिजनों ने खिलाफ एक तहरीर दी है और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है और शव को जांच के लिए भेज दिया गया है। आज रात में मैरिस रोड चौराहे के पास थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक बीट सवार व्यक्ति की गोल्डन कलर की अल्टो कार सवार व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त की गई है। परिजनों द्वारा मृतक के ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा एक घटना कारित कराई गई है। इसमें जो गोली मारने वाला संदिग्ध व्यक्ति है उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसे घटना में प्रयुक्त असलाह भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही गोल्डन कलर की अल्टो कार भी बरामद कर ली गई है। उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस व्यक्ति का मृतक के ससुराल वालों से कोई संबंध। चौराहे के पास की ये घटनाएं जहां कार सवार युवक को एक इलाके में ही गोली मार दी गई है। छोटा सा विवाद हुआ था जिसके बाद ही गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बाकी खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ।